आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन जम्मू एंड कश्मीर नियर अबाउट थर्टी प्लस क्वेश्चन जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे बिना टाइम वेस्ट कर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज जम्मू एंड कश्मीर का जो आउटर प्लेन्स है उसको लोकली किस नाम से बुलाते हैं अंदरवा सेकेंड इज बजवत थर्ड इज धुंस एंड डी पार्ट इज बोथ एंड बी तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ एंड बी जो आउटर प्लेन्स है ना जम्मू कश्मीर का उसको अंदरवा और भजवत कहते हैं ठीक है अब देखो आपने जम्मू रीजन की बेसिकली हम अगर स्पेसिफिकली जम्मू रीजन की बात करें ना तो जम्मू रीजन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है जियोग्राफिकली एक ये पार्ट आ जाता है मिडल हिमालयस का आपने याद रखना है जम्मू रीजन मिडल हिमालयस में भी कुछ पोर्शन आता है देन वी हैव शिवालिक्स शिवालिक्स आ जाते हैं देन वी हैव आउटर प्लेन्स ठीक है तो सबसे पहले मिडल हिमालय आ जाते हैं देन शिवालिक देन आउटर प्लेन्स तो ये जो आउटर प्लेन्स वाला रीजन है जिसमें सांबा कठुआ और आर एस पुरा वगैरह वाला एरिया आ जाता है ये सारे इसमें इस, इनको हम क्या बोलते हैं अंदरवाया या ठीक है देखो मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ ये जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में सबसे ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है ना जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर वी हैव काराकुरम रेंज ठीक है देन वी हैव लद्दाख रेंज देन वी हैव रेंज ये तीनों जो है ये किसका पार्ट है ट्रांस हिमालय किसका हमारे स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेट हिमालयस ठीक है जिनको हम हिमादरी भी कहते हैं ग्रेट हिमालयस को क्या बोलते हैं हिमाचल उसके बाद आ जाते हैं मिडल हिमालयस जिनको हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शिवालिक्स ठीक है जो आउटर हिमालय का पार्ट है तो ये आपने याद रखना है फर्स्ट इज काराक्रम देन लद्दाख देन यंस्कर तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट है उसके बाद ग्रेट हिमालय जिनमें हिमाद्री आ जाते हैं जिनको हिमाद्री कहते हैं देन मिडल हिमालय जिनको लेसर हिमालय बोलते हैं देन उसके बाद हमारे पास आउटर हिमालय आ जाते हैं जम्मू रीजन मेनली आउटर हिमालय का पार्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच माउंटेन इज नोन एज मानक पर्वत तो किस माउंटेन को मानक पर्वत कहते हैं शिवालिक्स पीर पंजाल नंगा पर्वत और नन ऑफ अब तो शिवालिक्स का दूसरा नाम है मानक पर्वत आपने याद रखना तो शिवालिक्स कौन से हैं सबसे बाहर वाले मिडल हिमालय के बाद सबसे नीचे कौन से आ जाते हैं हमारे शिवालिक्स आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन लेसर हिमालय एंड सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम आउटर हिमालय देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये कह रहा है कि वी हैव अ माउंटेन रेंज एक हमारे पास माउंटेन रेंज है जो लाई करती है लेसर हिमालय में तो कहां पर लाई करती है मिडल हिमालय में तो अगर ये हमारे पास ग्रेट हिमालय हैं आपको पता है जो ग्रेट हिमालय हैं जिनको इनर हिमालय या हिमादय कहते हैं वो कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन है उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं वी हैव मिडल हिमालय बोलता है कि वो मिडल हिमालय में ये माउंटेन रेंज लाई करती है और सेपरेट करती है किसको कश्मीर वैली को यहां पर कहीं कश्मीर वैली है उसको आउटर हिमालय से सेपरेट करती है तो मिडल हिमालयाज में लाई करता है ये माउंटेन रेंज और कश्मीर वैली को किससे सेपरेट करता है हमारे आउटर हिमालय से तो ये जो मिडल हिमालय में जो माउंटेन रेंज लाई करी है उसका नाम बताना है क्या ये पीर पंजाल रेंज है कुल्लू रेंज है यंस्कर रेंज है और नन ऑफ अब तो बेसिकली ये पीर पंजाल रेंज है तो ये इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज आपने याद रखना है मिडल हिमालय में लाई करती है और कश्मीर वैली को सेपरेट करती है आउटर हिमालय से ठीक है तो ये आपने याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं K2 और गॉडविन और तो पहले ये K2 एक पीक का नाम है माउंटेन पीक का नाम है और इसका दूसरा नाम है गॉडविन इज द सेकंडस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड की ये सेकेंड हाइएस्ट पीक है ठीक है लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में ये लाई करती है काराकरम रेंज में ग्रेट हिमालयस में अपर इंडस वैली में या लस्र हिमालयस में तो बेसिकली जो K2 है ये गॉडविन अस्टिन है ये काराकरम रेंज का पार्ट है ठीक है यहाँ पर ये बेसिकली पीओके में लाई करता है ठीक है पीओके में लाई करता है आपको यहां पर ये चीज पता होनी चाहिए अगर के टू या गॉडविन बी सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की तो हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की कौन सी है तो आप सबको पता होगा दैट इज माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है ये ग्रेट हिमालय में आती है ठीक है ग्रेट हिमालय इनर हिमालय जो है ना इनकी एक्सटेंशन जब नेपाल में जाती है तो उसमें वहां पर एक पीक है डेट इज नोन एज माउंट एवरेस्ट तो वो हमारे जो वर्ल्ड की वो क्या हाईएस्ट पीक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी हाइट बताओगे इसकी हाइट में चेंज हुआ था वो चेंज भी आपने बताना कि कितना पॉइंट्स में चेंज आया था इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड तो जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ केव जो है वो लोकेटेड है ले गांधरबल पूंछ या उधमपुर ये तो बहुत सिंपल इन्होंने ऑप्शंस दे दिए बट कन्फ्यूजन के लिए अगर सभी कश्मीर डिवीजन के ऑप्शंस होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो इसका आंसर है गांधरबल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर रीज़न की वहां पर क्या है अमरनाथ केव जो है वो लोकेटेड है आपने याद रखना अब देखो गांधरबल और बांदीपुरा जो है ना इन दोनों को बोलते हैं गेटवे टू सेंट्रल एशिया क्या बोलते हैं गेटवे टू सेंट्रल एशिया तो सेंट्रल एशिया वाला रीजन जो है ऊपर जैसे कजाकिस्तान वगैरह ये रीजन आ गया तुर्कमेनिस्तान वहां पर जाने का रास्ता जो है गेट है उसको बोलते हैं गांधरबल को और किसको बांडीपुरा को ये चीज़ आपने याद रखना है गांधरबल जो नाम है ना वो डिराइव हुआ है एक स्प्रिंग से यहां पर एक स्प्रिंग पाया जाता है जिसका नाम है गांधर भवन कौन सा स्प्रिंग है गांधर भवन वहां से इसका नाम गांधरबल डिराइव हुआ है ठीक है और गांधरबल में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप कुछ चीजें याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट वहां की फेमस है क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए सोना मर्ग भी गांधरबल में है ठीक है दो चीजें मैं हर बार आपको बोलता हूँ आपको याद होना चाहिए कि सोना मर्ग जो है वो गांधरबल में है ठीक है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट मानसबल लेक जो है मानसबल लेक वो भी कहां पर है वो भी गांधरबल में है आपने याद रखना है फिर एक गढ़सर लेक है वो भी कहां पर है गांधरबल में है और खीर भवानी टेम्पल भी कहां पर है गांधरबल में तो ये आप इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सेपरेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रशिया तुर्किस्तान एंड तिब्बत तो देखो ऊपर तिब्बत वाला पोर्शन रशिया तुर्किस्तान इसको कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है किसे जम्मू कश्मीर से ठीक है नूनकुन रेंज तो मैदान यंस्कर कुनकुनियन तो बेसिकली ये जो काराकोरम रेंज है ना अभी मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था कि काराकोरम रेंज सबसे ऊपर आती है तो यही तो सेपरेट करेगी ना तिब्बत हो गया रशिया हो गया तुर्कमेनिस्तान जो भी ऊपर वाले सेंट्रल एशिया है उनको कौन सी रेंज सेपरेट करेगी काराकोरम रेंज क्योंकि काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर आती है तो आपने याद रखना है काराकोरम एंड कंकुन रेंज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वैष्णो देवी जो है वो कौन सी जोन में सेट जो है सिचुएटेड है हमें बताना है इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस नहीं ग्रेटर हिमालयस तो बहुत ऊपर वाला पोर्शन आ जाता है ठीक है ग्रेटर हिमालयस में नहीं सेपरेटेड है, ये सिचुएटेड है काराक्रम रेंज तो आपको पता है देखो काराक्रम रेंज आ गया पीओके वाले एरिया में ठीक है उसके बाद ये ग्रेट हिमालय कुछ लद्दाख वाला रीजन है या कश्मीर के हायर रीचे में आ जाता है ग्रेट हिमालय में भी नहीं है अपर इंडस वैली भी आपको पता है वो लद्दाख वगैरह रीजन में आ गई तो वैष्णो देवी वहां भी नहीं है वैष्णो देवी कहां पर है लेसर हिमालय में जो मिडल हिमालय है और शिवालिक उनके बीच में ही कहीं कही ना कहीं वैष्णो देवी जो है वो लाइक करता तो आपने याद रखना है वैष्णो देवी इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय और मिडल हिमालय ठीक है कहां पर है रियासी में है आपने याद रखें इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं द प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड कवर्स प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड में कौन कौन से रीजन को कवर किया गया था जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश और ऑल ऑफ द तो देखो प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड में ये सारे रीजन को कवर किया गया था क्योंकि स्नो लैपर्ड जो है इन सभी रीजन में पाया जाता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आपने याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था दो नौ में स्नो स्नोलैपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने याद रखना इसी तरह आप इंपॉर्टेंट क्या याद रख सकते हो हम हैंगुल याद रख सकते हैं प्रोजेक्ट हैंगुल स्टार्ट हुआ था जो हमारा यूटी एनिमल है हैंगुल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1970 में हैंगुल का नाम सरबस एलिफस हैंगुलू भी है साइंटिफिक नेम आपको यह भी पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे वन ए तो नेशनल हाईवे वन ए पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है इट इज नंदनी वाईल्ड लाईफ लिंबर व्हाईल्ड लाईफ कादाकरम, कादाकरम ंगट तैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये कौन सी है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहां पर है एन एच वन ए पे लोकेटेड देखो ये पहले नाम था एन एच वन ए अब ना नेम चेंज हो चुके अब आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ ये याद रखना है कि एन एच फोर्टी फोर जो है वो कश्मीर को ज्वाइन करता है कन्याकुमारी के साथ तो एन एच फोर्टी फोर का नाम आपने याद रखना है ठीक है उसके बाद एन एच ट्वेंटी सेवन आपने याद रखना है जो ईस्ट वेस्ट का सबसे लंबा जो है हम बोल सकते हैं क्या है हाईवे है ये गुजरात से स्टार्ट होता है और असम तक जाता है एनएच ट्वेंटी सेवन और ये दोनों आपस में कहां पर मिलते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना क्वेश्चन है क्योंकि आपके उनका मीटिंग पॉइंट कौन सी जगह है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पे मूव करते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम इंटू एक्टें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कब एक्जिस्टेंस में आया था 1983, 2000, 2005 या 2010 फॉरेस्ट तो डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर का वो 1983 में एग्जिस्टेंस में आया था आप ये डेट जो है फिक्स याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच नेशनल पार्क वाज कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स फ्रॉम 1998 टू 2001 तो जम्मू कश्मीर का वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क और नन ऑफ द एब तो देखो हमारे पास जो सलीम अली नेशनल पार्क है उसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया आपको याद रखना है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ना टोटल चार नेशनल पार्क हैं ठीक है पहले लद्दाख भी जब इंक्लूड था तो तब एक पांच थे हेमिस नेशनल पार्क भी आ जाता था अभी कितने चार हैं एक आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा है किश्तवाड़ में है ठीक है इसको कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था नाइनटीन में याद रखना है नेक्स्ट सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है श्रीनगर में ठीक है किश्तवाड़ तो किश्तवाड़ में ये आप याद रख सकते हो इसको कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन में ये आप याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारे पास काजीनाग नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पर है काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है आपने याद रखना है और इसको कब डिक्लेयर किया गया था इसको भी 1992 में डिक्लेयर किया गया था उसके बाद एक नेशनल पार्क कौन सा बच गया डचिंगम नेशनल पार्क बच गया ठीक है जो हैंगुल के लिए फेमस है और ये इसको ये कहाँ कहाँ पर है पहले ये पता होना चाहिए श्रीनगर और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट दोनों में है और इसको कब डिक्लेयर किया गया था नाइन में तो हमारा किश्तवाड़ हो गया और डचिंगम हो गया इनको 1981 में डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क सलीम अली जो और काजी नाग जो है इनको 1992 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर से साइड इन सब के रिलेटेड ना हमने प्लेलिस्ट आप चेक करो जे के रिलेटेड वीडियोस लाई हुई हैं ठीक है एक एक वीडियो में वन शॉट में सब चीजें एक्सप्लेन करी हुई है प्लस एमसी भी जो मैं जे के, के मैंने लेक्चर डाला था लास्ट टाइम वो भी आप विजिट करना आपको बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वट इज द लोकल नेम ऑफ कैनाल इन लद्दाख देखो जो कैनाल्स होती है ना उनको लद्दाख में क्या कहते हैं मयूर कुल रैड या नैम्बू देखो लद्दाख में कैनाल को बोलते हैं मयूर आपने याद रखना है बट कश्मीर में उसको मयूर नहीं कहते कश्मीर में उसको बोलते हैं कुल क्या बोलते हैं कुल तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कैनाल्स लद्दाख में मयूर बोलते हैं और कुल बोलते हैं कश्मीर में तो ये दो चीजें आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मारतंड केनाल मारतंट कैनाल है इंपॉर्टेंट है टेक्स वाटर फार्म वो किससे पानी लेती है चनाब से लेती है सिंध से लेती है उज से से लेती है, से रहती, लेती है है तो मारतंट कैनाल जो है वो लिड्डर रिवर से जो है वो क्या करती है वाटर को लेती है ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखो ये सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है कश्मीर रीजन की ठीक है ओल्डेस्ट कैनाल है कश्मीर की तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस कैनाल का ये कौन से टाइम पे के साथ एसोसिएटेड है देखो काराकोटा डायनेस्टी में आपको पता है ललित आदित्य थे ललित आदित्य इनको बोलते हैं समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर इनके टाइम में ये बनाई गई थी ललितादित्य के टाइम पे ये बनाई गई थी ओल्डेस्ट कैनाल है कश्मीर की और ये जो अपना पानी है कहां से लेती है लिडर रिवर से अब लिडर रिवर आपको पता होना चाहिए लिडर रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी है और लिडर रिवर कौन से ग्लेशियर से अराइज होती है कालाहोई ग्लेशियर से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है ठीक है तो इसको आपने याद रखें जैसे नुबरा जो है वो सियाचिन से ओरिजिनेट होती है ठीक है ऐसे आपने चीजें जो है अपने एग्जाम के लिए याद

इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट माइका इज नॉट फाउंड इन जम्मू तो जम्मू रीजन में माइका कहाँ नहीं पाया जाता है सांबा रामबन रियासी डोडा अगर आप थोड़ा भी ना यहाँ पर अपने ब्रेन का यूज करो तो आप इजिली यहाँ से सांबा मार कर सकते हो क्यों देखो ये रामबन रियासी डोडा जो है ये तीनों इन लाइन डिस्ट्रिक्ट है ये एक ही रीजन में आती है इनकी टोपोग्राफी सेम है और सेम टोपोग्राफी में किसी एलिमेंट का पाया जाना जो है वो चांसेस बन जाते हैं इसलिए रामबन रियासी और डोडा में माइका पाया जाता है तो कहाँ नहीं पाया जाता है उसमें क्या आ जाएगा सांबा आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वेयर इज सफायर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर में सफ़ाईर कहाँ पाया जाता है रामबन किश्तवाड़ बारामूला या पुंछ तो सफ़ाइर कहाँ पाया जाता है किश्तवाड़ में बेसिकली जो हमारा किश्तवाड़ है किश्तवाड़ जो है वो सफ़ाइर के लिए फेमस है किश्तवाड़ जम्मू रीजन में एक ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आ, हमारा वो सेफरॉन भी पाया जाता है सेफरॉन भी पाया जाता है तो आप ये भी याद रख सकते हो ठीक है अब किश्तवाड़ के लिए आप इंपॉर्टेंट एक फैक्ट याद रख सकते हो कि गुलाब सिंह जी ने किश्तवाड़ को कब एनेक्स करा था तो 1821 में गुलाब सिंह जी ने किश्तवाड़ को एनेक्स करा था यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं ये जो सफायर है ये किसके लिए यूज होता है फूड के लिए वुड कार्विंग के लिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स तो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन हो तो सफ़ायर जो है वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होता है तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखना है हमने इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये इकोनॉमी का टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखना है जैसे कॉपर है बारामूला कुपवाड़ और बांडीपुरा में पाया जाता है माइका इंपॉर्टेंट है रामबन रियासी डोडा में पाया जाता है सफ़ायर जो है वो किश्तवाड़ में पाया जाता है ठीक है और सफ़ायर किसके लिए फेमस है ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ खारीफ क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की देखो तीन तरह की क्रॉप्स होती है मेनली इंडिया में एक होती है खारीफ क्रॉप ठीक है खारिफ क्रॉप वो होती है जो जून जुलाई में जिसकी कल्टिवेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं मतलब जिसकी सोइंग जो है वो जून जुलाई में होती है ठीक है तो वो होती है खारीफ क्रॉप जिनमें बहुत ज्यादा बारिशों की जरूरत होती है जैसे आपको पता है चावल हो गया जैसे आपको पता है मेज हो गया मक्की ये सारी खारीफ क्रॉप्स में आ जाती है और भी जैसे है जैसे कॉटन है ठीक है ग्राउंड नेट है बाजरा है ये सारी खारीफ क्रॉप है उसके बाद एक क्रॉप्स होती है जिनको बोलते हैं हम राबी क्रॉप राबी क्रॉप जो है ये कब लगाई जाती है सितंबर अक्टूबर में और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है मार्च अप्रैल में ठीक है इसमें क्या आ जाती है वीट इसमें हमारे वीट आ जाता है इसमें हमारा मस्टर्ड आ जाता है मस्टर्ड सरसों जो होती है इसी टाइम पे लगाई जाती है उसके बाद अगर हम बात करें ग्राम भी इसी टाइम पे लगता है ठीक है ग्राम भी इसी टाइम पे लगता है पी भी इसी टाइम पे लगता है तो ये आपने याद रखना है कि वीट हो गया हमारे पास मस्टर्ड हो गया ग्राम हो गया पी ये सारे कौन से टाइम पे लगते हैं राबी क्रॉप्स में लगते हैं और उसके बाद ये ये मार्च अप्रैल में इसकी कल्टीवेशन हो जाती है और खाली क्रॉप जून जुलाई में लगती है और मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई के टाइम जो बीच में टाइम बच जाता है तीन चार महीने उसमें हम कौन सी क्रॉप का यूज करते हैं जायद क्रॉप्स लगाते हैं कौन सी जाइद क्रॉप जायद क्रॉप जायद क्रॉप्स में मेनली हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो उगाते हैं तो आपने यहाँ पर तीन याद रखना है कि इंडिया में तीन तरह के क्रॉप्स हैं सीजन्स हैं एक खारीफ क्रॉप्स हैं जो जून जुलाई में उसकी सोइंग होती है ठीक है और सितंबर अक्टूबर में वो काटने हो जाती है सितंबर अक्टूबर में राबी क्रॉप्स लगाई जाती हैं सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल में चलती है और मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के मार्च अप्रैल और जून जुलाई के बीच का जो पीरियड होता है उसमें जायद क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सी खारीफ क्रॉप है जम्मू कश्मीर की देखो मस्टर्ड जो है वो मैंने अभी आपको बताइए एक राबी क्रॉप है लिन सीड भी एक राबी क्रॉप है और पी भी एक राबी क्रॉप है जो ग्राउंड ग्राउंड नेट होता है ना ग्राउंड नेट वो कौन सी क्रॉप होती है वो एक खारीफ क्रॉप होती है तो आपने ये चीज याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो है सबसे ठंडा महीना कौन सा माना जाता है जून मार्च दिसंबर और जनवरी जून मार्च तो आप एलिमिनेट कर दो दिसंबर और जनवरी में से कंफ्यूजन है तो जनवरी को बोला जाता है कि इट इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर देखो यहां पर ना आपको थोड़ा ना जम्मू कश्मीर का जो सीजन है उनके बारे में पता होना चाहिए देखो जम्मू कश्मीर में लोकल नाम है सीजन के लिए जैसे स्प्रिंग सीजन जो है ना स्प्रिंग सीजन को जम्मू कश्मीर में हम बोलते हैं सोन्थ क्या बोलते हैं सोन्थ आपने याद रखना उसके बाद जैसे समर है गर्मियों को गर्मियों के लिए यहाँ पर गर्मियों के सीजन के लिए यूज किया जाता है दो वर्ड यूज किए जाते हैं ग्रीष्म क्या हो गया ग्रीष्म और दूसरा रेत कोल ग्रीषम और रेत कोल अगर हम बात करें रेनी सीजन की रेनी सीजन के लिए हम टर्म यूज करते हैं वहारत क्या यूज करते हैं वहारत उसके बाद अगर हम यूज करें बात करें ऑटम सीजन की ऑटम पतझड़ का जो मौसम होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हरुद क्या यूज करते हैं हरुद उसके बाद अगर हम कोल्ड सीजन की बात करें कोल्ड सीजन के लिए देखो एक होता है कोल्ड सीजन सिंपल कोल्ड एक होता है आइस कोल्ड जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो जो कोल्ड सीजन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शरद और जब आइस कोल्ड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं

एरिया है उत्तर बेनी में वहां पर कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर बेनी है कहाँ पर उत्तर बेनी कहाँ पर है सांबा में कहाँ पर है आपने याद रखना है सांबा में ठीक है अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा फेस्टिवल जो है वो उत्तर बेनी में मतलब सांबा में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी झीड़ी मेला बहू मेला और चैत्र चौदश तो जो चैत्र चौदस है ना वो उत्तरबेनी में उत्तर बेनी ऑफ सांबा में सेलिब्रेट किया जाता है और कहा जाता कि है कि इसमें जो डोगराज हैं वो जलेबी बहुत ज़्यादा बनाते हैं ठीक है और उसको यूटिलाइज करते हैं तो इसीलिए आपको याद रखना है चैत्र चौदस जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरबेनी और सांबा दिन अब सांबा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं सांबा को ना सिटी ऑफ शीट्स कहते हैं ये याद रखना सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं और अगर हम साबा की बात करें तो इसको किसने स्टैब्लिश करा था मलदेव ने स्टैब्लिश करा था साबा को मलदेव ने स्टैब्लिश करा था ये आपने याद रखना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जो सांबा सिटी है ना सांबा जो है वो फेमस है बाईस मंडीज है यहां पर बाईस मंडीज के लिए फेमस है ट्वेंटी टू मंडीज है यहां पर और सांबा फोर्ट के लिए फेमस है किसके लिए फेमस है सांबा फोर्ट तो ये दोनों किसने बनाया ये दोनों बनाया, बनाया? सुचेत सिंह ने राजा सुचेत सिंह ने तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद रखना है अबाउट सांबा सांबा को सिटी ऑफ शीर्स कहते हैं मलदेव ने इसको स्टैब्लिश करा था इस सिटी को बाईस मंडीज और यहां पर सांबा फोर्ट है फेमस जो किसने बनाया सुचेत सिंह जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं डैश पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैजबीन अ टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो कौन सा पार्ट है जम्मू कश्मीर का जिसमें मॉनसून ट्रॉपिकल तो क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है ट्रॉपिकल तो तो तरह, तरह का क्लाइमेट जो है वो कहां पर यूनियन टेरिटेट जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा साउदर्न में पाया जाएगा नॉर्दर्न में पाया जाएगा ईस्टर्न में पाया जाएगा वेस्टर्न में पाया जाएगा देखो ये साउदर्न रीजन होगा ना जो हमारा जम्मू वाला जोरीपुंच ये रीजन जो होगा इसमें जो है बेसिकली मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाए मानसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर मानसून रेन आती है और बेसिकली मेनली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है मेडिटेनियस उसके थ्रू यहाँ पर बारिशें होती हैं सर्दियों में आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं द मियाडर्स ऑफ रिवर जेलम इंटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेक रिवर झेलम के जो मियांडर्स है मियाडर्स होते हैं इस तरह का पाथ ऐसे ऐसे बनाना मतलब घूम घूम के जाना ये रिवर झेलम का किस को लेक में एंटर होता है तो देखो रिवर झेलम क्या होता है घूम घूम के जाने के बाद किसी लेक में एंटर करती है वो किस लेक में करती है वुलर लेक में मानसर लेक में पैंग लेक में या डल लेक में तो किस में एंटर करती है वुलर लेक में तो आपने याद रखना देखो दो रिवर्स है मेनली जो वुलर लेक में एंटर करती है एक तो आ गया हमारे झेलम रिवर जो मेन रिवर है एक

नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ फाउंड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल रेंज है उसमें इनमें से कौन सा एनिमल पाया जाता है एशिएटिक लाइन एलिफेंट नीलगिरी तहर या मारखोर तो इनमें से कौन सा एनिमल पाया जाता है पीर पंजाल रेंज में मारखोर देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि जो मारखोर है बेसिकली वो कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है काजीनाग नेशनल पार्क में बारामूला में है ना काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला पीर पंजाल रेंज में ही आता है वहां पर जो है मारखोर पाया जाता है मारखोर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम कैप्रा फेल्कुनोरी ये आपको याद रखना है ठीक है ये जो है ना ये बेसिकली जो नेशनल एनिमल भी है पाकिस्तान का और इसका कई बार पूछ लेते हैं इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है तो आईयूसीएन स्टेटस इसका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसी तरह हैंगुल का भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वट इज द टाइम पीरियड ऑफ चिलाई बच्चा इन जम्मू एंड कश्मीर चिलाई बच्चा का टाइम पीरियड कितना होता है जम्मू एंड कश्मीर दो चीजें आपने याद रखनी है एक चिलाई कलान होता है चिलाई कल और दूसरा होता है चिलाई बच्चा तो इन दोनों का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए देखो चिलाई कलान जो है वो 40 दिनों का होता है ठीक है 40 दिनों का होता है और चिलाई बच्चा जो होता है वो 10 दिनों का होता है 10 डेज के लिए होता है ये आपको याद रखना है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कोल्ड पीरियड इन जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे ज्यादा ठंड वाला टाइम होता है जनवरी और दिसंबर का उसके लिए यूज किया जाता है चिलई बचाओ और चिलाई कलाना आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हाइडसपर्स वितास्ता एंड व्यर्थ आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हाइड्रसप हो गया वितास्ता हो गया या व्यर्थ हो गया वो डिफरेंट नेम्स हैं किस रिवर के नाम है ये इंडस के हैं किशन गंगा के हैं झेलम के हैं या चनाब के ठीक है तो ये तीनों किसके नाम है ये झेलम रिवर के नाम है देखो झेलम रिवर के नाम है हाइडसप हो गया तास्ता हो गया या व्यत हो गया ठीक है अब हम देखते हैं जेलम की अगर हम बात करें जेलम का जेलम की जेलम का हमने ये देख चुके हैं कि जेलम जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग से उसका ओरिजिनेशन होता है ठीक है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है झेलम की अगर हम बात करें वो कौन सी है नीलम रिवर ये भी आप फैक्ट याद रखना नीलम रिवर को हम एक और नाम से बुलाते हैं नीलम रिवर को हम किशन गंगा रिवर भी कहते हैं क्या क्या कहते हैं किशन गंगा रिवर तो किशन गंगा रिवर कहते हैं नीलम रिवर को और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है लम की ये फैक्ट आप याद रख सकते हो ठीक है अगर आप नीलम रिवर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीलम रिवर है कौन सी रीजन में है तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है कहां पर है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और कहां से ओरिजिनेट होती है किशन सर लेक से कहां से ओरिजिनेट होती है किशन सर लेक से तो ये कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हो तो वितास्ता या व्यत ये किसके नाम है डिफरेंट नेम्स हैं झेलम के और नीलम रिवर जो है वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वट आर अहर्स बुंदीज एंड खादिन्स अहर बुन्डीज और खादि क्या है ये कोई आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं ये ट्रेडिशनल फूड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के या वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं या ट्रेडर्स हैं कश्मीर वैली में तो ये बेसिकली कुछ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं जो कश्मीर रीजन में यूज किए जाते हैं इनका नाम है अहर बुंडीस एंड खादिन्स ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन किशन गंगा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर तो किशन गंगा जो है वो किस रिवर की जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चनाब की चंद्र की झेलम की या भागा की तो ये बेसिकली किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मैंने आपको बताया ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की झेलम रिवर की इसको नीलम रिवर भी कहते हैं नीलम रिवर भी कहते हैं इसको और इसका ओरिजिनेशन और जो है वो किशन सर लेक से है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये आप याद रख सकते हो देखो चंद्र और भागा जो है ये मिलकर क्या बनाती है चनाब बनाती है ये आप याद रख सकते हो बारह लच्छाला पास से इसकी ओरिजिनेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं

गांधरबल में है उसके बाद आपने याद रखना है वुलर लेक वुलर लेक जो है वो कहाँ पर है ये आपको पता है बांडीपुरा में आ जाता है वुलर लेक बांडीपुरा में उसके बाद होकेरा वेटलैंड है होकेरा वेटलैंड ये श्रीनगर में ही आ जाता है होकेरा श्रीनगर में ही आ जाता है और कौन सा आ गया आ... मानसर सर तो वो मैंने आपको बता दिया वो तीन रीजन में फैला हुआ है उधमपुर का भी रीजन आता है यहाँ पर इंक्लूड है उसके बाद सांबा का भी कुछ रीजन आ जाता है और जम्मू का भी कुछ रीजन आ जाता है आप याद रख सकते हो ये पांच इंपॉर्टेंट रामसर साइड जो है वेटलैंड एरिया है जिनको रामसर साइड में इंक्लूड किया गया रामसर साइड इसलिए कहा जाता है रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था ईरान के एक शहर का नाम है जिसमें यह बोला गया था वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा ये कब हुई थी कन्वेंशन सेकंड फैब नाइनटीन में ठीक है सेकंड फैब नाइनटीन में और सेकंड फैब को हम रामसर डे के रूप में

कालाहोई में ब्रह्मा में योजिला में ये हरमुख तो ये कहाँ पर लोकेटेड है हरमुख ग्लेशियर में और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये ग्लेशियर स्प्रेड है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर तो यहाँ पर मैंने आंसर्स भी इनके मार्क कर दिए हैं तो ये मैं पी जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसे आपको हेल्प मिलेगी फॉर अ देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जेके एस के चाहे वो फाइनेंस अकाउंट सिस्टम वी एल डब्ल्यू हो तो आपके लिए बहुत सारे वहां पर हमने टॉपिक्स इंक्लूड करे हुए हैं आप जाकर विजिट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यूज हैं और वन शॉट वीडियोस भी बहुत सारे टॉपिक्स में हमने लाइए तो एक बार प्ले को जरूर वॉच करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमने सेशनस लाएं उनको जरूर देख लें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगी और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दो हुआ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग